करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक विमान उड़ रहा होता है। सब कुछ ठीक था, पर उड़ान भरने के ठीक 13 मिनट बाद अचानक न सिर्फ विमान का जमीन से संपर्क टूट जाता है, बल्कि वो रडार से भी गायब हो जाता है। पर गायब होने से ठीक पहले पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इतना जरूर बता देता है कि विमान में कुछ तकनीकी दिक्कत है, इसलिए वो वापस लौट रहा है। मगर प्लेन वापस नहीं लौटता, बल्कि पायलट और क्रू मेंबर समेत कुल 189 मुसाफिरों के साथ वो समंदर में जा गिरता है। कहा जा रहा है कि खतरे को देखते हुए पायलट भव्य सुनेजा ने इसको देखते हुए वापसी की बात कही थी। इस दर्दनाक विमान हादसे में विमान में सवार सभी 189 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लायन एयर बोइंग 737 विमान 189 यात्रियों को लेकर जकार्ता से पंकल पिनांग जा रहा था। विमान के पायलट दिल्ली के रहने वाले भव्य सुनेजा थे। राहत बचाव दल को कुछ शव, लोगों के सामान और बच्चों के जूते मिले हैं। पीड़ित परिवारों से कहा गया है कि वो अस्पताल जाकर शवों की पहचान करें।